हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज। आई एम दानिश जमील। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। आज मैं बताऊंगा कि आपको अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, है ना, कैसे वो वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है। मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी दो से ज़्यादा अल्टरनेटर को किसी भी इनफाइनाइट बस बार से हम लोग जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो यह प्रोसेस हमारा सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा जो क्या क्या कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है। इन फोर पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, तो जो अल्टरनेटर रनिंग कंडीशन में होता है उसको हम लोग रनिंग मशीन कहते हैं, और जो अल्टरनेटर ऑफ कंडीशन में होता है और उसे रनिंग मशीन के साथ पैरेलली कनेक्ट करना होता है तो उसको बोलते हैं इनकमिंग मशीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बोलता है कि जो हमारा फेज सीक्वेंस है वोल्टेज, यानी सॉरी, जो हमारा बस बार का जो वोल्टेज है, है ना, बस बार का जो वोल्टेज का फेज सीक्वेंस है और जो इनकमिंग अल्टरनेटर का जो वोल्टेज का फेज सीक्वेंस है, वो दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो ये कहता है कि हमारा क्या है कि जो दो मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो दो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मशीन वन मशीन टू जो यूज़ करेंगे हम लोग, या थ्री मशीन का जो यूज़ करेंगे, वो जो मशीन का जो फेज एंगल होगा वो तीनों का फेज एंगल कैसा होगा, इक्वल होना चाहिए। ये नेसेसरी है कि तीनों का जो फेज एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है कि जो हमारा इनफाइनाइट बस बार जो है, इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज और जो इनकमिंग अल्टरनेटर होगा, इनकमिंग अल्टरनेटर का जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। अब जस्ट सपोज दैट जो हमारा रनिंग मशीन, यानी जो बस बार से हमारा रनिंग मशीन कनेक्टेड है और वो हमारा आउटपुट में 11 kV जनरेट कर रहा है, तो बस बार का वोल्टेज कितना हो गया, 11 kV हो जाएगा, है ना। जब 11 kV हो गया तो जो अल्टरनेटर, इनकमिंग अल्टरनेटर है, उसका भी जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो 11 kV ही होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारा बस बार का फ्रीक्वेंसी, अगर जस्ट सपोज दैट एज्यूम कर लीजिए कि 50 Hz है, ठीक है, बस बार का अगर फ्रीक्वेंसी अगर 50 Hz है, तो हमारा जो जनरेट, जो इनकमिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन का जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो भी 50 Hz ही होना चाहिए, ना ही तो इससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही तो इससे कम होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा कम, ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, ये चार कंडीशन नेसेसरी हैं कि पैरेलली अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए ये चार कंडीशन नेसेसरी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग किसी भी अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखिए क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन में कभी भी हम लोग एक अल्टरनेटर से ही वर्क नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दो अल्टरनेटर या तीन अल्टरनेटर या चार अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं और हम इसे लोड से कनेक्ट करते हैं। अब इस तरीके से करने का रीज़न है, ठीक है, तो वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि पैरेलली जो अल्टरनेटर है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि एक जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पर दो अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट किया गया है जिसका कि नाम है जनरेटर वन एंड जनरेटर टू। अब देखिए, जनरेटर वन जो है वो डायरेक्टली लोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रनिंग अल्टरनेटर हो गया, रनिंग मशीन हो गया जो कि रन कर रहा है, और ये जनरेटर टू जो है वो आइसोलेटेड है, स्विच यहाँ पर लगा हुआ है जिसके थ्रू ये आइसोलेट कर दिया गया है, यानी कि ये अभी ऑफ की कंडीशन में है, लेकिन ये पैरेलली हम लोग इसको यहाँ पर स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पैरेलली कनेक्ट करने का ज़रूरत पड़ा तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा अल्टरनेटर पैरेलली दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, अब मान लिया जाए इस अल्टरनेटर का रेटिंग हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस अल्टरनेटर का रेटिंग जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 500 MVA का है और ये भी हमारा 500 MVA का, दोनों अल्टरनेटर सेम रेटिंग का है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि जो हमारा लोड है, लोड का रिक्वायरमेंट मान लीजिए 400 MVA है। अब क्या होगा, जब 400 MVA है और ये 500 MVA है, तो क्या होगा कि लोड के अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ इस अल्टरनेटर को ऑन रखना चाहिए हमें, तो हमारा इस लोड का रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा, लोड जितना रिक्वायरमेंट का है लोड का वो पूरा हो जाएगा इस एक अल्टरनेटर से। अब जैसे जस्ट सपोज दैट लोड
है ना, लोड का जो रिक्वायरमेंट है अब वो इंक्रीज होकर के जस्ट सपोज दैट 600 हो गया। अब जब 600 हो गया तो ये अल्टरनेटर क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, क्योंकि ये 500 MVA का है और ये लोड जो हमें बोल रहा है कि हमें 600 चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस अल्टरनेटर का ज़रूरत पड़ेगा। अब जब भी ऐसा कोई कंडीशन आएगा, जब अल्टरनेटर की रिक्वायरमेंट, जब एक्स्ट्रा अल्टरनेटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, है ना, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, तो ये अल्टरनेटर इस लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लोड शेयरिंग हो जाएगा, इस अल्टरनेटर पे 600 MVA और इस अल्टरनेटर पे 600 MVA का लोड शेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लोड जो है, जो लोड पे कोई इंटरप्शन भी नहीं होगा, है ना, लोड पे कोई इंटरप्शन भी नहीं होगा, किसी भी तरह के पावर आउटपुट पे, पावर सप्लाई पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और हमारा जो इफिशेंसी है वो भी बना रहेगा। अब देखिए क्या है कि अब आपके माइंड में एक डाउट ये आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ 500 MVA और 500 MVA का दो अल्टरनेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बेहतर होता कि हम एक ही अल्टरनेटर यूज़ करते जो कि 1000 MVA का होता। तो यहाँ पर इसका एक नुकसान ये है, इसका एक डिमेरिट ये है कि देखिए क्या है कि अगर हम लोग एक अल्टरनेटर का यूज़ कर लें, हाई रेटिंग अल्टरनेटर एक ही यूज़ कर लें, दो यूज़ ना करें, तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये होगा कि अगर जस्ट सपोज दैट लोड का रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे 1000 MVA का अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या है, लोड का रिक्वायरमेंट 500 MVA होता है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो आउटपुट में तो हमें फुल आउटपुट देगा, हमें 1000 MVA ही देगा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है 500 MVA का। तो यहाँ पर जो बचा हुआ 500 MVA जो आउटपुट है वो तो हमारा वेस्ट है, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, एसी जो होता है, उसको हम लोग कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो उसको या तो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं या तो वो वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या है, इस वेस्टेज से बचने के लिए हम लोग अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं कि जब हमारा रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग अल्टरनेटर को कनेक्ट करेंगे, या तो फिर हम उसे ऑफ करके रखेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना अल्टरनेटर को ही ऑन करेंगे। दूसरा ये है कि दूसरा इसका डिमेरिट ये है कि अगर मान लिया जाए एक ही अल्टरनेटर का हम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, इस अल्टरनेटर में अगर कभी भी फॉल्ट आता है, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, या किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आता है, टर्बाइन फेल हो जाए, शाफ्ट फेल हो जाए, किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आता है, तो इसके मेंटेनेंस के दौरान हमारा पावर सप्लाई पूरा इंटरप्ट हो जाएगा, पूरे लोड पे कोई सप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से यह लोड हमारा डिस्टर्ब रहेगा, इंटरप्ट रहेगा, ठीक है, और जितने दिन तक ये मेंटेनेंस में रहेगा उतने दिन तक ये इंटरप्टेड रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अभी मैं जब आपको इसकी एडवांटेजेस समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे का एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, लोड सप्लाई कैन बी इंक्रीज। अब जो इसका लोड सप्लाई होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो हमारा जो लाइट लोड के दौरान, यानी क्या होगा, जब हमारा लाइट लोड रहेगा, है ना, ड्यूरिंग लाइट लोड, तो क्या होगा, हम लोग अगर हम लोग तीन अल्टरनेटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइट लोड है तो हम लोग दो अल्टरनेटर को ऑफ कर सकते हैं, एक अल्टरनेटर से ही रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे और बाकी दो अल्टरनेटर जो ऑफ रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रहा था अब वो वेस्ट नहीं होगा। अब लोड बढ़ता है हमारा, अगर डिमांड बढ़ता है तो हम लोग इन दोनों अल्टरनेटर को, अगर दो को ऑन करने की ज़रूरत है तो दोनों को ऑन करेंगे, अगर किसी एक को ऑन करने की ज़रूरत है तो किसी एक को ऑन करके हम लोग लोड की डिमांड को फुलफिल कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग तीन अल्टरनेटर को पैरेलली अगर कनेक्ट किए हैं, अगर कोई एक अल्टरनेटर में मान लिया जाए ये बीच वाले अल्टरनेटर में फॉल्ट आता है, और तीनों, अगर मान लीजिए बीच वाले दो अल्टरनेटर से हमें लोड का डिमांड पूरा हो रहा था और इस वाले अल्टरनेटर पर कोई फॉल्ट आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्टरनेटर की जो लोड है इसको आइसोलेट करके हम थर्ड वाले पे शिफ्ट कर देंगे और इस अल्टरनेटर को ईजिली वे में हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग लोड, यानी कि लोड को, है ना, लोड सप्लाई को बिना इंटरप्ट किए हुए भी हम लोग यहाँ पर इस अल्टरनेटर के मेंटेनेंस को कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होगा। एंड जो इसका जो नेक्स्ट जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि आप यहाँ पर देख ले, जो हमारा फोर्थ एडवांटेज जो लिखा हुआ है कि हमारा अगर अल्टरनेटर में किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन आता है तो किसी भी तरह का सप्लाई के ऊपर कोई इंटरप्शन नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि ये क्या है कि पावर सिस्टम जो हमारा है, जितना भी पावर सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी, होल पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को ये इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारा अगर पावर कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है
कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि रिलायबिलिटी जो इसका होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जब रिलायबिलिटी इंक्रीज करेगा, पावर कंटिन्यूटी सप्लाई होगा विदाउट किसी इंटरप्शन के, विदाउट किसी फॉल्ट के, तो हमारा इफिशियंसी भी ऑब्वियसली सी बात है इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस करेगा, है ना। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा जो लग रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा और जनरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होगा। जनरेटिंग कॉस्ट क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं आ रहा है, है ना। ज़्यादा हम लोग वेस्टेज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग स्मॉल अमाउंट के अल्टरनेटर को लगाए हैं, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतने अल्टरनेटर को ऑन करके उतना सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम लोग एक हैवी अगर अल्टरनेटर ज़्यादा रेटिंग वाले अल्टरनेटर को लगाते हैं और हमें कम लोड की डिमांड होती तो हमारा वेस्टेज जाता, जिसके वजह से कॉस्ट जो है इंक्रीज कर जाता। अब यहाँ पर कॉस्ट जो है जनरेटिंग कॉस्ट वो भी रिड्यूस करेगा। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ इसके एडवांटेजेस थे और अल्टरनेटर को किस तरीके से हम लोग पैरेलली ऑपरेट करते हैं, क्या इसके कंडीशन थे, वो मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।